और अगर नताशा को मनाने नहीं जाना ना तो मत जाओ। लेकिन उस्मान एक बात याद रखना, किसी भी दिन हसीब की तरफ से नौरीन को तलाक का परवाना आ जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो उसे जहर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी बच्ची खुद ही मर जाएगी। उस्मान अब क्यों आए हो यहां पर? नताशा से मिलना चाहता हूं। नताशा से मिलना चाहते हो? किस रिश्ते से? हसीब भाई, नताशा मेरी बीवी है, मैं उससे बात करूं या उसे यहां से लेकर जाऊं, आप मुझे मना नहीं कर सकते। हसीब भाई, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज उसे बुला जाए। ठीक है, मगर वो अगर तुम्हारे साथ जाने से इनकार कर दे तो तुम जबरदस्ती नहीं लेके जा सकते उसे। ठीक है, बुलाता हूं मैं उसे। नताशा, नताशा, नताशा। उस्मान, मुझे नहीं बैठना, खड़े खड़े बात करो, क्या है? मैं तुम्हें लेने आया। किस रिश्ते से? किस रिश्ते से? नताशा, तुम मेरी बीवी हो। उस्मान, बीवी शरीके हयात होती है, उसके साथ हयात को शेयर किया जाता है। अफसोस, तुम तो ये काम किसी और के साथ कर रहे हो, शफक के साथ। और मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ इस चीज की है कि सच्ची मोहब्बत तो छोड़ो, तुमने तो मुझसे झूठी मोहब्बत भी नहीं की है। पता, जब एक बार किसी से मोहब्बत कर लेना तो दोबारा नहीं होती है, और तुम्हारी सच्ची मोहब्बत सिर्फ शफक है, मैं नहीं। इसलिए अब इस बारे में बात करने को कुछ रहा नहीं है। ऐसा नहीं नताशा, मैं तुमसे भी मोहब्बत करता हूँ, शफक जितनी तो नहीं करते ना। मगर करता तो हूँ। उस्मान, मैं एक बेवफा इंसान के साथ सारी जिंदगी गुजार सकती हूँ, लेकिन एक धोखेबाज के साथ नहीं, समझे? लेकिन नताशा, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। दिया है उस्मान, तुम कोर्ट मैरिज करने जा रहे थे, रंगे हाथों पकड़ा है मैंने तुम्हें। उसे बातचीत करने का ना कोई फायदा नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती हूँ। लेकिन नताशा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी उस्मान, तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ, और अब मेरे घर में आने की तुम्हें जरूरत, समझे? सुन लिया तुमने, ये तुम्हारे साथ जाना नहीं चाह रही। लेकिन हसीब भाई, आप बस हो गई बात, जा सकते हो। हसीब भाई, मान मैं कह रहा हूं, चले जाओ।